कर दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में करवाया जाएगा। 19 अप्रैल पहला चरण मतदान का और इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, फिर 1 जून 7वां और अंतिम चरण वोटिंग का होगा और 4 जून वो तारीख जो नतीजों का दिन आपके लिए रहने वाला है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जो चुनाव आयोग की तरफ से साझा कर दिया गया है टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए, हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस बार भी पिछली बार की तरह 7 चरण में ही वोट पड़ेंगे और इन 7 चरणों में 2 तारीखें अप्रैल के महीने में हैं, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, 4 तारीखें मई के महीने की हैं, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 तारीख जून की है जो पहली जून है जब 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 4 जून नतीजों का दिन जब 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जो और अहम बातें बताई गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो ये कि 22 राज्यों में सिंगल फेज में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे जो बड़े राज्य हैं, संवेदनशील इलाके हैं, यहां तमाम 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और ऐसे में अगर सीटों के हिसाब से बताया जाए तो पहला चरण सबसे बड़ा चरण रहने वाला है जब 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 26 अप्रैल दूसरे चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग होगी, 7 मई को 94 सीट, 13 मई को 96 सीट, 20 मई 49 सीट और फिर 25 मई और 1 जून मतलब छठे और सातवें चरण में 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जल्दी से और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी आशीष के पास। आशीष, देखिए जो करंट सरकार है उसका टर्म खत्म हो रहा है जून 16 को, इसलिए चुनाव आयोग के पास उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि उसके पहले रोमाना चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। और आपने जिस तरह से पूरा सारे फेजेस का वर्णन दिया है उसके बाद 4 जून को इस बार थोड़ा एक्सटेंडेड देखें, जनरली मई तक काउंटिंग करा ली जाती थी लेकिन ये दिलचस्प है कि इस बार 4 जून को तमाम चुनावों के, चाहे वो बाई पोल्स हों, चाहे असेंबली पोल्स हों, चाहे लोकसभा पोल्स हों, जो 7 चरणों में कराए जा रहे हैं, इन सब का जो काउंटिंग है, जो नतीजे हैं, वो लोगों के सामने आ जाएंगे। मैं फिर से दोहरा दूं, 16 जून को टर्म खत्म हो रहा है, उससे पहले कराना था, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, एक्सटेंडेड चुनाव है। और बड़ा टेक अवे मुझे लगता है ये भी है रोमाना, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि इस बार डिटर्मिंड वे में जैसे वो चुनाव कराना चाहते हैं कि मसल पावर, मनी पावर, किसी भी चीज़ का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, पैनी नज़र रखेगा चुनाव आयोग और ये इंश्योर करेगा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, कोई उस पर सवाल ना खड़े कर सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, 7 चरणों में चुनाव होंगे, 4 तारीख को नतीजे सभी लोगों के सामने होंगे। बिल्कुल, वो जिस मसल पार मनी पार की आप बात कर रहे थे तो 1-2 नहीं बल्कि 4 चुनौतियां जिनका जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया गया और 4M के तौर पर मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC का वायलेशन, ये वो 4 चुनौतियां हैं जिसको पार पाने के लिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से खास तैयारी की गई है। लेकिन इससे पहले उस पर आगे विस्तार से बात करें, सबसे पहले वो शेड्यूल, वो तारीखें जिनका आपको इंतजार था, तस्वीर साफ हो गई है चुनाव आयोग की तरफ से। 2024 लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में ही वोटिंग होगी। 2019 लोकसभा चुनाव में भी आपको याद है ना, 7 चरण में ही वोट पड़े थे, तब 11 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ था और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल पहली तारीख है मतदान की, मतलब वो जो फर्स्ट फेज का वोटिंग होगी, फर्स्ट फेज के लिए उसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होने जा रही है और इसके बाद अगली तारीख जो है वो 26 अप्रैल की रहेगी। पहले जो फेज है, फर्स्ट फेज, उसमें सबसे ज्यादा सीटें 543 में से 102 सीटें जिस पर वोट डाले जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।